हेलो देयर, हेलो वाले ब्लॉग का स्वागत है इकोन यूनिवर्स वीडियो में। तो भाई लोग, मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा यार किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि तुम लोग को तो पता है फ्री फायर कम्युनिटी में उतना ही कंटेंट है जितना आगे क्रिएटर्स के पास दिमाग, मतलब ना के बराबर। तो फिर भाई लोग, यार तुम लोग को तो पता है यार कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा, तो अपन भी निकल पड़े भाई कंटेंट की तलाश में। मैं सोचा यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी कूड़े के डब्बे में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि भाई फ्री फायर पे कंटेंट बनाने वाले कितने लोग हैं भाई, मतलब लाखों की तादाद में कंटेंट बनता है फ्री फायर कम्युनिटी में, वो भी सबका सब कचरा। तो फिर मैंने बोला कि यार कोई ना कोई कचरे का डब्बा तो होगा जिसमें कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। तो फिर मैं भी चला भाई, चलो यार कुछ ना कुछ तो ढूंढते अपन। तो फिर मेरे को क्या मिलता है? तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कचरे के डिब्बे में तलाश कर रहा था किसी कंटेंट के लिए, तो जैसे मैं इस कचरे के डिब्बे को साफ कर रहा था, और तभी मैंने देखा कि भाई ये क्या है, ये चमक किस चीज़ से आ रही, इतनी रोशनी। और फिर जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे दिखा सोने की टट्टी। मैंने बोला भाई गजब, ये कंटेंट, इस पे तो व्यूज ही व्यूज जाएंगे भाई। क्योंकि देखो, मेरे को इस कम्युनिटी से बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है कि भाई काम कर दो व्यूज के लिए करो, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो तुम व्यूज के लिए काम नहीं करते हो तो भाई सबसे बड़े गधे हो तुम, क्योंकि ये कम्युनिटी तुम्हारे लिए बनी नहीं है। अगर तुम्हें व्यूज के लिए काम नहीं करना है तो कहीं और जाके कंटेंट बनाओ। अगर तुम्हें फ्री फायर कम्युनिटी में कंटेंट बनाना है तो सिंपल सी बात यही है, जिस पे व्यूज आ रहे हैं उस पे काम बनाओ। क्योंकि भाई इधर का कंटेंट होता है गन्ने जैसा कि उसको निचोड़ लो, मशीन में डालो और निचोड़ लो, एक भी बूंद छूटने नहीं चाहिए, तभी तुम असली क्रिएटर कहलाओगे। तो भाई अपन भी आगे वीडियो लेकर के एनजी स्पोर्ट्स के ऊपर। भाई हैकर, ओ शिट, इतने सारे हैकर, अरे नहीं कितनी गंदी गिल्ड है, शिट भाई, बस यही तो है कंटेंट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। Wake up to reality. तो भाई लोग देखो, ये भाई साहब वो हैं जिनके ऊपर ये सारे कंटेंट बन रहे हैं, क्योंकि इनकी गिल्ड में तुम लोग को बहुत सारे प्रो प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, या फिर यूं कह लो हैकर्स देखने को मिलते हैं। फिर डेली इनके चैनल पे होती है लाइव स्ट्रीम, जहां पर ये हैकर्स को खिलाया जाता है दूसरे हैकर्स के साथ, 1v1, 2v2, इंडिया वर्सेस मीना, और ऐसे ही बहुत सारे फालतू कंटेंट। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात तो ये सबको पता है, इंडिया वर्सेस मीना यानी कि व्यूज ही व्यूज, क्योंकि हैकर इनटू हैकर यानी कि व्यूज ही व्यूज। और यहाँ के बच्चे तो इन सब चीजों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए रेड नंबर्स, क्योंकि भाई दूध पीते बच्चे, या फिर शायद यूं बोलो कि ये तो दूध भी नहीं पीते होंगे, अगर पीते होते तो थोड़ी बहुत तो बुद्धि विकसित हो ही जाती। तो भाई देखो, इन लोग को तो यही देखना पसंद है। फिर ये भाई साहब जो है इन लोगों के चैनल का प्रमोशन करते हैं, यानी कि इन हैकर्स के चैनल का प्रमोशन करते हैं, और फिर ये बच्चे जाके वहां पर इनकी वीडियोज देखते हैं, और भाई फिर क्या ही कर सकते हैं। और इसी डेली रूटीन टट्टी कॉन्टेंट को कहा जाता है फ्री फायर कंटेंट। तो गाइस, सिंपल सी बात ये है कि आज तुम लोग का भाई तुम लोग के लिए कुछ प्रूफ्स लेके आया, क्योंकि देखो यार आज जो प्रूफ्स है वो हैकिंग के रिलेटेड है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में हमारी कम्युनिटी में, ठीक है, बहुत गर्म चल रहा है ये माहौल। तो देखो यार, क्योंकि देखो सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके खिलाफ अपन खड़े हैं, हैकिंग, क्योंकि यार किसी भी गेमिंग कम्युनिटी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है हैकिंग, क्योंकि वो पूरी तरीके से कम्युनिटी को खत्म कर देती है, और अपन नहीं चाहते कि भाई ऐसा कुछ हो। इसके लिए हैकिंग के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना अपना भी फर्ज बनता है। तो भाई अपन लेके आ गए कि ये भाई किस तरीके से हैकर्स को अपनी लाइव स्ट्रीम में खिला रहे हैं, और अपन आज तुम लोग को यही बताने वाले हैं। ओके तो गाइस, प्रूफ्स का सिलसिला शुरू करते हैं हम भाई एनजी स्पोर्ट्स के राइट हैंड मैन से, यानी कि तूफान से। तो भाई देखो, ये उसी बंदे की आईडी है जो एनजी की लाइव स्ट्रीम पे आता था और दे दबाता हेडशॉट मारा करता था। फिर अचानक से गाइस ये चमत्कारी आईडी लाइव स्ट्रीम पे आनी बंद हो गई, क्योंकि देखो सिंपल सी बात तो यही है, अरे यार हैक यूज करोगे तो बैन तो होने ही वाले हो तुम लोग, और क्या प्रूफ चाहिए तुम लोग को, 24 दिन से आईडी बंद पड़ी है। और देखो यार, भले ही वो दूध पीता बच्चा ही क्यों ना, उन सबको पता है कि आईडी बैन क्यों होती है, ठीक है, सिंपल सी बात तो यही है, हैकिंग हुई है तो भाई आईडी बैन तो होने ही वाली है। और भाई ये तो कोई ऐसा तो है नहीं, ये करेना के लाडले लगते हो कि इनको छोड़ देंगे करेना वाले, तो सिंपल सी बात है इनकी आईडी बैन तो होनी ही थी। भाई मैंने इस बंदे का नाम सुना ना तूफान, तो मेरे को लगा भाई वो अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर थी ना भाई, जिसमें पुचुक पुचुक करके मारते थे भाई, मेरे को तो वही याद आ गई। तो गाइस यार, पिक्चरों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, अपन बढ़ते हैं हमारे एनजी के लेफ्ट हैंड मैन की तरफ, जिसका नाम है मैसी। तो रहन दो फिर। अब गाइस फिलहाल में जो तुम लोग के सामने जो आईडी है वो है मैसी की, जो कि है नूब एकदम। अब तुम लोग खुद सोचो, एक ऐसी गिल्ड जिसमें ऐसे प्लेयर्स को रखा जाता है जो एकदम पिरो हो हद से ज्यादा, जिनके पास कलेक्शन की भरमार हो, एक ऐसी गिल्ड में ये एक ऐसी नूब आईडी क्या कर रही है, और रोज इसी आईडी से लाइव स्ट्रीम पर खेला जाता है। अब गाइस तुम लोग के सामने मैसी की वो आईडी जो 30 दिन से बंद पड़ी, जिससे वो पहले लाइव स्ट्रीम पे खेला करता था। भाई देखो, अब सिंपल सी बात है, कोई बच्चा भी बता देगा कि ये आईडी बैन हो चुकी है, ओके। और एक ऐसी आईडी जो कि सेम नेम से है और जिसका लेवल एकदम डाउन है, वो उसी गिल्ड में क्या कर रही है जिस गिल्ड से इस आईडी को, मतलब उसकी मेन आईडी को निकाल दिया गया है, ओके।
तो भाई कोई सेंस ही नहीं बनता है। सिंपल सी बात ये है कि ये एक ऐसा बंदा है जो हैकर्स को अपने गिल्ड में भर के रखता है और उन्हें लाइव स्ट्रीम पर खिलाता है और फिर उनके चैनल का प्रमोशन कराया जाता है। अब देखो लास्ट टाइम ही मैंने कहा था कि इस बंदे को देखने वाला हर बंदा नशे में है। मतलब कौन सा नशा फूका है तुम लोग ने मुझे नहीं पता, पर बहुत ज्यादा सस्ता वाला फूका होगा तभी ये सीन हुआ है तुम लोग के साथ, क्योंकि भाई तुम्हारे नशे का कोई इलाज ही नहीं है। और जहां तक बात रही फ्री फायर कम्युनिटी के व्यूज कंटेंट के रिलेटेड, उसकी हालत उतनी ही अच्छी है जितना जब हमारे क्लासरूम में हमारी रबड़ हमारे हाथ से गिर जाती है और फिर 4-5 दिन बाद हमें वो एकदम नए अवतार में मिलती है। मतलब पूरी मट्टी से लथपथ बिल्कुल टट्टी जैसी, वही हालत हमारे फ्री फायर कंटेंट की हो रखी है। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, व्यूज बहुत छाप लिया अपन ने। तो देखो यार लाइक भी जरूरी और सब्सक्राइब भी जरूरी, तो वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो पसंद आई हो, और चैनल पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वो जो रेड बटन को तोड़ दो फोड़ दो दबा दो भाई और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। बाजू में वो बेल नोटिफिकेशन को जरूर जरूर ऑल पे सेट कर लेना। और हाँ अगर मुझसे बातचीत करनी तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं ऐसे किसी के लिए धमाकेदार वीडियो में, टिल देन बाय बाय। What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter.